अस्सलाम वालेकुम और टेक स्टोर देखने का शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम यासीन है और ये है हमारे Vivo Y15 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, Vivo Y15 पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है जो कि 4GB और 64GB के स्टोरेज के साथ आपको 30,000 रुपए का मिलता है और इसमें अभी तक सिर्फ यही एक वेरियंट आया है और दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है, एक्वा ब्लू और बर्गंडी रेड, और हमारे आज का वेरिएंट बर्गंडी रेड कलर वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स में आपको मिलता है ये यूजर मैनुअल, उसके अलावा है एक बैक कवर जो कि आपके फोन को पहले ही दिन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो फोन को पहले ही दिन से बैक कवर के साथ यूज जरूर कीजिएगा। और वीवो का ये नया Y15 हैंडसेट, उसके बाद है एक चार्जर, एक चार्जिंग केबल जो कि नॉर्मली चार्जिंग केबल है। तो चलिए अब अपने फोन को सेटअप करके देखते हैं कि फोन में क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या फीचर्स है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं डिजाइन से। डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ फ्रंट पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जिसकी स्क्रीन साइज 6.35 इंचेस है। ऊपर एक वाटर ड्रॉप नॉच और नीचे है एक मोटी सी चिन। अब आते हैं बैक पे। बैक पे आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिलता है जो कि नीचे से रेड और ऊपर से हल्का सा ब्लैक है। उसके अलावा है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिनके नीचे एक LED फ्लैश है और उसके नीचे लिखा हुआ है AI ट्रिपल कैमरा और नीचे की तरफ है Vivo की ब्रांडिंग। उसके अलावा राइट साइड पर है पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम कम या ज्यादा करने के बटन, जबकि लेफ्ट साइड पर है ड्यूल सिम स्लॉट जहाँ पर आप दो नैनो सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हैं, जबकि नीचे की तरफ है एक स्पीकर, एक चार्जिंग पोर्ट और एक 3.5mm का जैक। दोस्तों, फोन हैंड में उठाने में अच्छी फीलिंग देता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, क्योंकि फोन में बड़ी बैटरी दी गई है इसलिए फोन थोड़ा हेवी है और मुझे अक्सर हेवी फोन पसंद होते हैं, पर हाँ डिजाइन के लिहाज से फोन तकरीबन सही है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको Vivo Y15 में 6.35 इंचेस की HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलती है जिसकी रेजोल्यूशन है 720x1544 pixels और पिक्सल डेंसिटी 268 PPI है। दोस्तों, डिस्प्ले की कलर क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिल जाते हैं और अगर आप गेम या इंटरनेट चलाएं या किसी वेबसाइट को चलाएं तो यहाँ पर आपको एक्यूरेट और सेचुरेटेड कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो LCD के लिहाज से मुझे इस फोन से कोई शिकायत नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव कलर देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं ब्राइटनेस पे। ब्राइटनेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप धूप में यूज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसमें तकलीफ होगी यूज करते हुए, मतलब अगर आप धूप में यूज करते हैं तो आपको चीजें साफ तौर पर नजर नहीं आएंगी चाहे आपकी ब्राइटनेस फुल ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब आते हैं कैमरा सेटअप पे। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ फ्रंट पे आपको 16MP का F2.0 के अपर्चर वाला सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जबकि बैक पर आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिनमें से एक 13MP का F2.2 के अपर्चर वाला मेन सेंसर है और दूसरा 8MP का F2.2 के अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जबकि तीसरा 2MP का F2.4 के अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर है। और दोस्तों, आप देखते हैं कि इन तीनों कैमरास की और फ्रंट के सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे बात की जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर आपको अच्छी सेल्फी देखने को मिलती है और ब्लरिंग में अच्छा बैकग्राउंड ब्लर किया जाता है। मुझे सेल्फी के लिहाज से इस फोन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आते हैं बैक कैमरास पे। बैक कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर सिंपल में आपको अच्छी फोटो देखने को मिलती है, डायनेमिक रेंज अच्छी है, कलर्स भी अच्छे आते हैं, डे और नाइट दोनों में ही आप अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर बोके इफेक्ट में मुझे एज डिटेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा और उसके अलावा जहाँ पर फोन को बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहिए था वहाँ पर हल्का सा अपने ऑब्जेक्ट को भी स्नैप ब्लर किया, तो बोके इफेक्ट में मुझे ये कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर फोन में अपडेट आए तो कैमरा अपडेट के साथ साथ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। दोस्तों, यहाँ बैक से आप 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे वीडियो क्वालिटी में एक्सपोजर प्रॉब्लम देखने को मिला, आप वीडियो में देख सकते हैं, तो मेरे लिहाज से मुझे ये फोन वीडियो के लिए अच्छा नहीं लगा। और फाइनली और अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस पे। दोस्तों, Vivo Y15 में MediaTek Helio P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है
और पावर VR8320 का GPU है। और मैं ये बता दूं कि ये फोन एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ शिप होता है, जिसमें वीवो की अपनी UI फन टच 9 लगी हुई है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आप लोग सस्ता मोबाइल चाहते हो आईफोन जैसा, तो आप वीवो को ही कंसिडर करें। अब आते हैं डेली डे यूजेज के परफॉर्मेंस पे। दोस्तों डेली डे में फोन चलने में अच्छा है, मैंने इस पर इंटरनेट चलाया, गेम खेला और उसके अलावा वेबसाइट्स भी ओपन की, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई लैग देखने को नहीं मिला। और आप इस पर गेम्स भी खेल सकते हैं। क्योंकि प्रोसेसर पुराना है तो इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पर किसी भी तरह का गेम खेल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इस पर गेम खेला तो मुझे वहाँ पर लैगिंग देखने को मिली। तो गेमिंग के लिहाज से मैं इस फ़ोन को नहीं कहूँगा कि आप ख़रीदें, लेकिन हाँ अगर आप डेली डे यूजेज के लिए एक अच्छा फ़ोन, एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। दोस्तों फिंगरप्रिंट चलने में अच्छा है, एक्यूरेट और फास्ट वर्क करता है, जबकि फेस अनलॉक ऐसा नहीं है। उसको ओपन होने में तकरीबन 1 से 2 सेकंड लगते हैं और उतना फास्ट वर्क नहीं करता जितना इस प्राइस रेंज के बाकी फ़ोन वर्क करते हैं। दोस्तों अगर गीक बेंच स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर 817 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 3009 आया। और N22 बेंच मार्क स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल कोर स्कोर 78022 आया। और फाइनली बढ़ते हैं अब बैटरी की तरफ, जो कि इस फोन का एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों वीवो ने वाई की सीरीज में अक्सर दो चीजों पर ज्यादा गौर किया है, पहले कैमरा सेटअप पर और दूसरा बैटरी पर। और इसी तरह आपको वीवो Y15 में भी एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों वीवो Y15 में नॉन रिमूवेबल लिपो की 5000mAh की बैटरी लगाई गई है, जो की एक बड़ी बैटरी मानी जाती है, जिसकी वजह से फोन का वेट भी थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 2 दिन तो आप आराम से फोन को चला सकते हैं अगर आप एक लाइट यूजर है, लेकिन अगर आप एक लाइट यूजर नहीं हो, आप एक हेवी यूजर हो, तो 1.5 दिन तो आपकी बैटरी या 1 दिन आराम से चल जाएगी। और फोन में कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो अगर आप फोन को चार्ज करना चाहते हो तो चार्जिंग टाइम में आपको 2 घंटे तकरीबन लग जाएंगे एम्प्टी से फुल चार्ज करने में। तो बस दोस्तों यही थी हमारे आज की अपडेट। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।